गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सोसाइटी के गार्डन से। अभी हम लोगों ने वॉक किया था, वॉक करके जस्ट बैठे थे। कृषा प्रेम में थी तो उसको भी उतारा क्योंकि वो थोड़ा पार्क में प्ले करेगी। इधर अनवित अपनी जो एक्सरसाइज है ना, जो मैम सिखा के जाती हैं, तो वही अपना रिवाइज कर रहा है, ये है। और कुछ लोग मेरी फिंगर का हाल पूछ रहे थे, तो एक्चुअली क्या ना, इसका जो नाखून है ना वो उतर रहा है, तो अभी ना हाफ में अटक गया है, तो वो कपड़ों में अटकता है, तो इसीलिए ना मुझे टेप लगा के रखना पड़ता है सेफर साइड, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक ये किसी कपड़े में बहुत बुरी तरीके से उलझा तो बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा, क्योंकि पहले ही मैं इसको लेके ना बहुत ज़्यादा परेशानी झेल चुकी हूँ। मतलब इतना नहीं सोचा था कि इतने कम से ना इतना ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो ये है, मैंने सोचा अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से बातें करना शुरू करती हूँ, क्योंकि अगर एक बार आलस आ जाए ना तो फिर व्लॉग स्टार्टिंग में देरी हो जाती है। तो बस ये है कि अब इनको पार्क में थोड़ा सा एंजॉय कराएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह देखेंगे क्या करना है। तो जैसे आज का दिन रहेगा आई विल शेयर विद यू। आज ब्रेकफास्ट में निर्मला बनाएगी प्याज और आलू के पराठे, हरा धनिया, अभी पत्ते साफ करिए तो हरा धनिया वगैरह सब डाली है ना, आते ना, तो जौ का आटा या ज्वार जो है वो ले लिया। बस 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 बस, तो ये हो गया हमारा जौ का आटा। सो फाइनली शावर ले लिया है मैंने, निर्मला भी आ गई है, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, आलू प्याज के पराठे बनाएगी। और आपको पहले ही बता देती हूँ, फिर बाद में क्वेरी आती है, मैंने लिपस्टिक लगाई है न्यूड नियोन्स, क्योंकि इस वाले लिप शेड के काफी ज्यादा मेरे पास क्वेरी आती है। लिप शेड बहुत अच्छा है और हर स्किन टोन पे ये जाता भी है, लाइट भी, मतलब ये देखो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, तो मुझे ना मतलब इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और मैंने रील शेयर किया था कुछ दिन पहले, उसमें मेरा परफ्यूम के लिए आया था, तो परफ्यूम है ये वाला है सो एलिक्सर, मैं मतलब सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा परफ्यूम है ये, मतलब छाया दीदी मेरे लिए लेके आई थी। तो मतलब ये दोनों चीज़ें मैंने लगाई हैं, मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर ना रह जाती हैं और फिर आप कंप्लेन करते हो कि बता नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं भूल जाती हूँ बताने को, तो क्या है, ये रख देती हूँ और निर्मला को चल के देखते हैं कि वो मतलब क्या बना रही है। और मैंने अपना ये वाला कॉर्ड सेट पहना है, तो इसके बारे में आप सब लोगों ने मतलब पूछा था, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो इसके मतलब मेरे पास लिंक नहीं है तो वो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ये इसका कलर और ये सब ना मतलब बहुत अच्छा लगता है ये वाला ना, तो लोकल मार्केट से मैंने ये लिया था। हाँ अनवित बना रहा है, चलो यहाँ पे ये बन रहा है, गुड़िया का बन रहा है ना सूजी का उपमा, और ये बना रही है राजमा का छोंक, राजमा बनेगा आज। और ये है हमारा गेहूं और ज्वार का आटा, और ये है मेरी उंगली देखो, तो गेहूं ज्वार का आटा है ये वाला, एकदम सॉफ्ट सा, गेहूं और ज्वार का नहीं, गेहूं और जौ का आटा है, बारले, हाँ जो है बारले का है, मैं ज्वार बोल रही हूँ। बारले बहुत हेल्दी होता है, आप लोगों को इंक्लूड करना चाहिए अपनी हेल्थ में। यहाँ पे है राजमा भीगे हुए और है निर्मला, इसमें मसाला डाला है, गरम मसाला डाल लिया और क्या डाला, हाँ ठीक है, चलो गुड़िया तुम भी नहाने करो, मैस कर रहा है यहाँ पे बैठ के, बताशा खा रही है, एंजॉय कर रही है। हाँ लाओ दे दो बताशा, दे दो ना, क्या कर रहा है किशा, दे दो बताशा, दे दो, नहीं दे दो ना, कहाँ है गुड़िया, गुड़िया खा लो भाई से, अनवित एंजॉयिंग, इसे दबा के एकदम, और तवे को पहुंचना, काला हो गया तवा वाला, सारे पराठे काले काले आ रहे हैं, देख इसे तवे को पहुंच, निकाल रहे हैं हमारा गर्मा गर्म पराठा आलू का, और ये है मिर्ची का ठेचा, मिर्ची ठेचा, हाँ बटर भी लेती हूँ, बटर, हाँ बटर लेती हूँ, दे दो भाई बटर, गुड्डू कह रहा था थोड़ा बटर दे दो,
क्या चलाऊं, कौशल्या दशरथ के नंदन? राम सिया राम। अच्छा जय जो करनी है? अच्छा मैं निकला गड्डी लेके? राम सिया राम कौशल्या दशरथ के नंदन। अच्छा देखो देखो कृष्णा खाने को देखो। अच्छा चलाती मैं निकला गड्डी लेके। शिल्पा आंटी, शिल्पा आंटी को बुलाती हूँ, बुलाती हूँ। बुलाऊ शिल्पा आंटी को? उतरती नहीं है ये, उतरती नहीं है। किशु, पापा, पापा, क्लैप योर हैंड्स, स्माइल, स्माइल। क्या ढूंढ रहे हो? तो मैंने ले लिया स्माइल। फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया है, कृषा को नहला दिया है, नहाने के बाद वो सो जाती है, तो सोचा था कि सो जाए तो मुझे अपने पार्सल ओपन करने हैं, लेकिन उसका सोने का कुछ नाम नहीं है, तो अभी उसको बाहर बैठा के आई हूँ क्योंकि पार्सल ओपन करना है, तो सोचा कि चलो आपके सामने ही आज पार्सल ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि मतलब कैसे कैसे। मैंने कुछ ड्रेस ऑर्डर की थी तो वो क्या आई है आपके सामने ओपन करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। पहले तो मैंने ना अपने लिए कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी, जिसमें से मतलब एक डिलीवर हुई है अभी और एक ये बेल्ट ऑर्डर की थी तो वो आई है, तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने ना ये वाली बेल्ट ऑर्डर की है, आजकल ये काफी ट्रेंड में चल रहा है ना, ये टाइगर वाला ऐसे बेल्ट ना, लोगो किसी भी चीज में, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था तो ये मैंने ऑर्डर की है। तो बेसिकली इसमें मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि ये ना वो वाली नहीं है, जैसे मेरे पास पहले एक बेल्ट आपने देखी होगी उसमें ना लास्टिक है, तो उसमें ना बहुत बार जो पेट है ना वो मतलब भिजता है, ऐसा होता है, लेकिन इसमें क्या ना ये पीछे से डिजाइन है और एडजस्टेबल, देखो ऐसे ये बेल्ट है, तो मतलब ये आई है। और देखो इसका जो लोगो है, मैंने गोल्डन कलर का मंगाया है, इसमें ये देखो ये। तो ये इसका ये मतलब ऐसे डिजाइन है और ये ऐसे है, तो इसमें ना हम अपना मतलब एडजस्ट कर सकते हैं अपने मतलब अकॉर्डिंग ना, उसमें क्या है उसमें थोड़ा सा लास्टिक रहती है ना, तो कहीं ना कहीं हल्का सा जो पेट है ना वो मतलब टाइट होता है, तो मैंने एक ये ऑर्डर की थी। और एक मैंने ना अपने लिए ये ब्लैक कलर की ड्रेस ऑर्डर की है, तो ये मैंने रेयर ब्रांड से की है, कपड़ा तो उसका मतलब अच्छा लग रहा है और मतलब ये हैवी भी लग रही है, यहाँ पे ना देखो नीचे लाइनिंग भी है इसमें, मतलब मुझे अच्छी लग रही है, ये तो सेल्फ प्रिंट में है तो मतलब प्लेन काइंड ऑफ नहीं है, सेल्फ में है। अभी आपको पहन के भी मतलब दिखाती हूँ, तो देखो सेल्फ। अच्छा जो मैंने न्यू ईयर पे ड्रेस पहनी थी ना, उसमें से आप लोगों ने वो मैंने तब भी पहनी थी जब हमने अपनी नई कार निकलवाई थी ना, काफी लोग लिंक मांगते हैं उसका, मुझे याद नहीं है मैंने वो कहाँ से ली थी, बाकी उस टाइप की ड्रेसेस ना मतलब थोड़ा कॉमन ही हो गई, मैंने तो 2 साल पहले ली थी, तो वो आपको मतलब मिल जाएगा, वो कलर एक्चुअली बहुत बहुत प्यारा है, तो आप सर्च करके देख लेना, क्योंकि मेरी दीदी को भी वो पसंद आई थी तो वो भी बोल रही थी, लेकिन एग्जैक्ट कलर ना मतलब उनको मिल नहीं रहा था। और ये टॉप के बारे में आपने पूछा था, ये सेम वही वाला कलर है जो मतलब मेरी ड्रेस का है, थोड़ा सा मतलब 19-20 फर्क है। इस टॉप की अगर बात करूं तो ये टॉप ना बहुत बहुत अच्छा है, इसका जो लुक और फील है ना दोनों ही अच्छा है। ये मैंने पहना था, हम लोग उधर गए थे ना ग्रीन वेलवेट रिसोर्ट गए थे वहां पे पहना था, तो फ्लेयर जींस के साथ ना ये काफी स्मार्ट लग रहा था, रील शेयर की थी तो उसमें मतलब आप लोगों ने तारीफ की थी और मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, उन्होंने लिंक मांगा था इसका, तो ये मैंने अमेजोन से ही लिया है, इसका जो लिंक है ना वो मैं शेयर कर दूंगी। मुझे भी बहुत स्मार्ट लगा, इसमें बहुत सारे कलर हैं, ब्लैक है और मुझे ग्रीन लेना था, अगर आप चाहें तो उसमें ब्लैक भी ले सकते हैं, वो भी बहुत स्मार्ट लगेगा, बहुत प्यारा लगा, इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, तो आप इसके लिए भी ना आराम से मतलब जा सकते हैं। मैं अपनी फोटो अटैच कर दूंगी रेफरेंस के लिए, अगर किसी ने मतलब वाली रील नहीं देखी है तो। और एक ना मैंने अपने लिए ये वाले हुप्स लिए थे,
तो ये वाले हुप्स भी ना मतलब काफी वाला जो डिजाइन है ना वो काफी ट्रेंड में रहा है। और हुप्स का ये है कि सबके साथ चले जाते हैं, वेस्टर्न के साथ भी जाते हैं, इंडियंस के साथ भी जाते हैं, और हर फेस स्ट्रक्चर के साथ हुप जाते हैं। आप हेयर टाई करो, हेयर ओपन करो, सबके साथ अच्छा लगता है। तो ये है, तो चलो मैं ब्लैक वाले ड्रेस आपको पहन के दिखाती हूँ। और इनके जो लिंक्स है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए। और जो मैंने लिप कलर मॉर्निंग में लगाया था ना वो वाला कलर भी ना मैं मतलब शेयर कर दूंगी वापस न्यूड न्यूज ना, तो आप देख लेना। तो चलिए मैं अभी वेट नहीं हो रहा हूँ उससे, मैं ड्रेस पहन के देखती हूँ उसकी फिटिंग वगैरह कैसी आई है और फिर आपको भी दिखाती हूँ। फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आई है, हालांकि इसमें बेल्ट है लेकिन मैंने मेरा मन करा था तो मैंने मतलब अटैच कर ली। ये बेल्ट भी ना इसके साथ मतलब अटैच ही है। तो देखो ओवरऑल ना ये वाली ड्रेस मतलब मुझे तो अच्छी लगी है, मतलब फिटिंग भी और सी थ्रू भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। मम्मी कैसी लग रही है वाली ड्रेस? कपड़े वो देखिए भी, कपड़े भी तारीफ कर सकते हो ना, कपड़ा भी अच्छा है। नहीं कपड़ा तो मुझे अच्छा लगा, लाइनिंग भी है इसकी, है ना? कैसा अच्छा है ना, डिजाइन भी अच्छी है ना, बाजू वाजू अच्छी। हाँ ये बेल्ट नहीं है इसका, तो मैं अलग है बेल्ट लगती है। हाँ अच्छी लग रही है ना, लेकिन कपड़ा वगैरह भी अच्छा है ना, अच्छी लग रही है सेल्फ में, अच्छी लगी मुझे। चलो भाई पास हो गई, मम्मी को भी अच्छी लगी, देखो अच्छी लग रही है। सो अभी इवनिंग हो गई है और बिग बास्केट से कुछ सामान आया था। मैंने फर्स्ट टाइम ना एक कड़क केयर चाय ऑर्डर की है। आप लोग बताना आप लोगों ने किसी ने यूज की है क्या ये वाली जो चाय है ना। तो ऐसे मशरूम और अमूल क्रीम और ये दूध आया था, तो मुझे टोन मिल्क चाहिए था लेकिन ये पैश्चराइज वाला शायद आ गया है, इसको 90 डेज तक रखते हैं। तो फर्स्ट टाइम यूज करेंगे हम लोग ये, कभी यूज नहीं किया। तो वैसे जो चाय पत्ती है हम लोग जैसे टाटा गोल्ड लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो ये हर्ब्स वाली यूज करके देखती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों ने ये वाला दूध भी कभी यूज किया है क्या, क्योंकि पैकेट को हाथ लगाते मुझे लगा कि ये शायद वो वाला है जो स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ तो कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन आज मॉर्निंग में बॉयल किया था, वैसे टेस्ट वाइज और ये सब तो मतलब ठीक ही था। सो एनीवेज अभी डिनर का टाइम है और आज ना एकदम अलग बहुत टेस्टी में पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ और एकदम अलग है, आप लोग भी ट्राई करना। घर में सब लोगों को पसंद आई और सब्जी का एक दाना भी कढ़ाई में नहीं बचा, इतनी टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार हुई थी। तो बेसिकली मैं पैपरिका पनीर बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए ना मैंने हाफ रेड पेपर लिया है और यहाँ पे जो मशरूम है ना वो ले लिया है थोड़ा सा, इसमें ब्रोकली लूंगी, थोड़ा कैरेट लूंगी और यही सब इसमें मतलब जाने वाला है। तो रेड पेपर अगर आप चाहें तो मतलब पूरा भी ले सकते हैं, मैंने तो मतलब हाफ ही लिया था, मुझे लगा था कि थोड़ा हाफ ही मैं लेती हूँ। और अगर आप रेड लेंगे तो थोड़ा सब्जी स्पाइसी साइड जाएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि हाफ यूज करके देखती हूँ। और यहाँ पे बस इसको गैस पे मैंने अच्छे से फ्लेम पर रोस्ट किया है थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि इसमें ना जो स्मोकी फ्लेवर है ना उस सब्जी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा एनहांस होगा। यहाँ पे हमारी जो पेपर है वो भून गई है, इसका ठंडा करके ऊपर से जो छिलक है वो उतारेंगे और वेजिटेबल्स भी यहाँ पे चॉप हो गई है। तो अपनी जो सब्जी है ना वो बनाने की मतलब जो है ना तैयारी करेंगे। तो अनियन है, कैरेट है और इसमें मशरूम है और कॉर्न लेंगे और जो अपना ब्रोकली है ना वो लेंगे। तो इसमें इस टाइप की जो वेजिटेबल्स है ना वो जाती है और ये ना पनीर की सब्जी रियली बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। तो बस यहाँ पे कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें मैंने ऑयल ऐड किया, ऑयल में ओरिगैनो ऐड करूंगी। मैंने ओलिव ऑयल लिया है, अगर आपके पास ओलिव ऑयल नहीं है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। और इसमें ओरिगैनो ऐड करूंगी, उसके बाद इसमें फ्रेश गार्लिक ऐड करूंगी, अनियन ऐड करूंगी, सारी सब्जियां मैं एक साथ ऐड कर दूंगी, उनको हाई फ्लेम पर अच्छे से सोते करूंगी क्योंकि थोड़ा सा क्रंची टेस्ट चाहिए। तो इसीलिए सब वेजिटेबल्स को मैंने एक साथ ही मतलब ऐड कर दिया था। पेस्ट तैयार करेंगे तो इसके लिए जो पेपर थी ना रेड बेल पेपर, उसका ऊपर का जो ब्लैक वाला छिलक था वो मतलब पील ऑफ कर दिया है। और इसमें अगर आप चाहें तो इसमें सोक रेड जो चिली है ना वो एक्चुअली डलती है,
तो मैंने मतलब वो सोक नहीं की थी, इसलिए मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है और रेड चिली का पाउडर ले लिया है। अगर आप वो जो मोटे वाली मिर्च है अगर आप उसको सोक करके बनाएंगे ना तो उसका और मतलब टेस्टी वाला वर्जन आएगा। तो यहाँ पे देखो मेरी जो सब्जियां है ना वो भी मतलब भुन रही है, तो यहाँ पे मैंने मिर्ची कमी रखी क्योंकि फिर लगा कि कभी और मतलब खाना पाए। हालांकि थोड़ा सा मतलब तेज साइड ही थी जो मिर्ची थी ना, आप अपने अकॉर्डिंग स्पाइसी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखो ये ना थोड़ा सा मैंने व्हीट फ्लावर लिया, इसको मतलब दूध में मैंने थोड़ा सा मतलब मिक्स कर लिया, इसको फेट के ना मतलब जो बहुत थोड़ा सा है ना वो मतलब बैटर तैयार किया है। तो यहाँ पे जब सब्जियां मेरी अच्छे से भुन जाएंगी ना तो ये जो कटोरी वाला व्हीट मैंने फ्लावर मिक्स किया है ना ये हम मतलब इसमें ऐड करेंगे। पराठे के लिए आटा लगाना है तो यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा मैंने बेसन ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें ज्वार का आटा ऐड किया है, तो इसमें नमक और अजवाइन ऐड करेंगे। वैसे तो ये जो सब्जी है वो खाई जाती है नूडल्स के साथ, नहीं तो चावल के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो चावल जैसे कॉर्न चावल फ्राई कर लो या फिर स्पिनेच चावल फ्राई कर लो ऐसे करके, लेकिन हम लोगों ने पराठे के साथ ये खाई थी तो उसके साथ भी मतलब ये अच्छी लग रही थी क्योंकि दोपहर को राइस खाए तो ऐसे इवनिंग में राइस खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने पराठे के साथ खाई। तो इसलिए मैंने पराठे का ये वाला वर्जन बना लिया। सुबह को मैंने जो का आटा मिलवाया था और शाम में, तो मेरे पास ना ऐसे मल्टीग्रेन के जो आटे हैं ना वो रखे रहते हैं और इंडिया में क्या है ना सब पास में चक्की है तो इजीली सब पिस जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए मैं सब रखती हूँ और जितना हेल्दी हो सके ना उतना अपना फूड को हेल्दी बनाने का कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियां थोड़ा सा गल गई थी तो मैंने जो पेस्ट है ना वो ऐड कर दिया और इसको अभी मतलब अच्छे से चलाऊंगी। और इसमें ना हमें मिल्क ऐड करना है, तो पहले आप ये जो मैंने आटा की सेलरी तैयार की थी वो उसमें मिक्स करके इसको अच्छे से भून लेना, फिर इसमें ना जो मिल्क है हम वो ऐड करेंगे, तो मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना। तो यहाँ पे मैंने अमूल बटर भी ऐड किया था, उससे ना जो टेस्ट है वो मतलब अच्छा हो जाता है। अगर आपके दूध की मलाई सब्जी में जाए तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने देना क्योंकि थोड़ा सा जो सब्जी है ना वो क्रीमी टेक्सचर की बनेगी और मतलब से टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसमें मैं एक स्लाइस जो चीज का है ना वो मैं इसमें ऐड करूंगी। तो दूध को पहले आप अच्छे से चला लेना वरना दूध फटने का भी डर रहता है क्योंकि हमारी सब्जी में थोड़ा सा नमक है ना, तो इसको मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध फटने के जो चांसेस है ना वो ज्यादा हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो दूध है ना वो मैंने चला लिया, इसमें चीज स्लाइस ऐड कर दी और इसको अच्छे से मतलब गर्म करने के बाद जब इसमें बॉईल आ जाएगा ना तब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी और अपना पनीर ऐड कर दूंगी। तो इस सब्जी को फिर बहुत अच्छे से पकाएंगे और इसमें जो मसाले है ना वो जाएगा मतलब थोड़े सा आप चिली फ्लेक्स डाल देना, ब्लैक पेपर ऐड कर देना और फिर इसको बहुत अच्छे से मतलब पकाना है। जब आपका दूध क्रीम सब अच्छे से पक जाए तो आपने जो पेस्ट तैयार किया था ना तो फिर आप वो ऐड कर देना, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना और सॉल्ट ऐड करके और मसाले थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें ऐड करना और इस सब्जी को ना पकने के लिए रख देना। और ये सब्जी ना बहुत बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी और दो चार दाने इसमें शुगर के ऐड कर देना, बहुत ज्यादा ना डालना वरना सब्जी मीठी हो जाएगी क्योंकि इसमें खटास कुछ है नहीं तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही तो मैंने टेस्ट करके देखा तो मुझे थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लिया
और इससे जो सब्जी है फिर बैलेंस हो गई। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया और इस सब्जी को आप बहुत अच्छे से पकाना। ये सब्जी रियली बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी, एकदम हटके ये पनीर की सब्जी है और आपको भी ना ये बहुत पसंद आएगी अगर आप एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको ऐसे कुछ भी कॉन्टिनेंटल फूड्स या फिर मेरी तरह डिफरेंट कुजींस खाने का शौक है ना, तो आपको तो फिर मतलब ये अच्छी लगेगी। अगर आप मतलब वही रेगुलर फूड खाने वाले हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं ना जिनको कुछ हटके पसंद नहीं होता वही रेगुलर, तो फिर शायद ना भी आए वेरी फ्रेंकली। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा हटके पनीर ट्राई करना है और जिन लोगों को थोड़ा इटालियन पसंद है, तो उनको तो आई एम श्योर कि ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में तो सभी को ये बहुत पसंद आई थी। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मतलब सब लोग सब कुछ खाना पसंद करते हैं, जैसे मतलब चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, मैं जो भी बनाती हूँ घर पे सब लोग मतलब खाते हैं, तो ऐसे मतलब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सबने बहुत शौक से खाई। अन्वित ने, मम्मी ने, पापा जी ने और सौरभ ने, बहुत टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई थी। It's raining. नॉर्थ में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो शायद उसका असर यहाँ पे भी है। तो रात में बहुत तेज एकदम से मतलब बारिश आ गई अचानक से बिना मौसम की, तो और थी भी बहुत तेज, तो एकदम से वही है ना यहाँ पे। यूजुअली ना मतलब जब बरसात लगती है तभी बारिश होती है, लेकिन आजकल अनयूजुअल टाइम पे भी बारिश होने लगी है। तो इधर हमारी जो टेस्टी वाली सब्जी है वो भी देखो बन के तैयार हो रही है, तो गर्म गर्म सब्जी और वेदर भी मतलब एकदम जो है ना वो मजा आने वाला है। इधर पराठे सीख रहे थे, मैंने सब्जी को गार्निश कर दिया फ्रेश कोरिएंडर से, क्योंकि आजकल जो कोरिएंडर है ना उसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी आती है, तो हर सब्जी में अच्छी लगती है। तो गर्मा गर्म पराठे भी सीख गए, तो सब्जी को थोड़ी देर ढक के रख दिया, क्योंकि ढक के रखने से थोड़ी देर सब्जी का जो टेस्ट है ना वो मतलब एनहांस होता है। तो इधर जो बारिश के मजे है ना वो मतलब ले रहे थे, और यहाँ पे कृषा ने कर रखा था बहुत ज्यादा मैस। अगर मैं सोचूं कि वो टॉय से प्ले करे तो कभी उसको टॉय से प्ले नहीं करना होता है। सारे मेरे जितने किचन के टूल्स हैं वो सब नीचे रहते हैं। क्यों कर रही है मैस? हाँ, मैस क्यों कर रही है? नीचे नो ये देखो नहीं नहीं खेल। तो ये है आज की हमारी स्पेशल सब्जी, और अभी हम सब लोग मतलब डिनर एंजॉय करेंगे। तो मैं फिर वही बोलूंगी, सब्जी बहुत टेस्टी बनके तैयार हुई थी, एकदम क्रीमी सब्जी थी। अन्वित को ऐसे सब्जी रोटी नहीं खानी थी तो मैंने उसका रोल बना दिया, मतलब ऐसे क्रीमी तो ये थी तो सब्जी बीच में रख के हल्का हल्का सा मतलब ये डाल दिया, तो उसको मतलब ऐसे अच्छी लगी। तो आजकल उसको थोड़ा सा मतलब रोल्स का जो शौक है ना वो मतलब वो लगा हुआ है। तो बस अभी हम लोग अपना डिनर करेंगे। कुछ ऐसा था आज का दिन, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा प्रोडक्ट्स के लिंक के लिए अगर आपको कुछ भी पसंद आए। तो चलिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।